अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लेक्चर 30 करेंगे सॉल्यूशन अबाउट ऑर्डिनरी पॉइंट्स। ठीक है, जो चैनल पे न्यू व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर एनालिटिकल फंक्शन। एनालिटिकल फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी एनालिटिक। ठीक है, कोई फंक्शन एफ हमारे पास है एट अ पॉइंट ए पे, तो वो एनालिटिकल कब होगा? ठीक है, जब उसको हम पावर सीरीज़ की फॉर्म में एक्स माइनस ए की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते होंगे और उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो होगा वो पॉजिटिव होगा, देन हम कहेंगे कि वो फंक्शन एनालिटिकल फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने हमें एक लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। ये वाली हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ये देखें इधर लीनियर ये क्यों है, क्योंकि इसमें ऑर्डर वन है, और सेकंड ऑर्डर क्यों है, क्योंकि इसमें दो डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास। इसको हम इसकी इस तरह फॉर्म में लिख सकते हैं, पी ऑफ एक्स और क्यू एक्स की फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ए स्क्वायर एक्स डबल, हाँ मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि सेकंड डेरिवेटिव के साथ जो हमारे पास वैल्यू होती है उसके साथ हमने डिवाइड कर देना होता है होल इक्वेशन को, क्योंकि हमें यहाँ पे जस्ट सेकंड डेरिवेटिव चाहिए होता है। ठीक है, तो वही प्रोसेस किया हुआ है यहाँ पे। देन हमारे पास जब सेकंड डेरिवेटिव आ गया, देन हमने क्या किया कि जो पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में इसको लिख लिया। पी ऑफ एक्स और क्यू एक्स की फॉर्म में कैसे लिखना है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसके साथ जो भी होगा उसको हम कहेंगे ये पी ऑफ एक्स है, और जो वाई के साथ होगा उसको हम कहेंगे कोई वो क्यू ऑफ एक्स है। ठीक है, देन हम जब क्वेश्चन करेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट्स। अब पॉइंट एक्स नॉट, उसको हम ऑर्डिनरी पॉइंट कह सकते हैं अगर उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास बहुत पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दोनों होंगे। ठीक है, तो देन हम क्या कहेंगे कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी पॉइंट है। ये देखें यहाँ पे पी ऑफ एक्स भी है और क्यू ऑफ एक्स भी है, सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्स है वो एक ऑर्डिनरी पॉइंट है। ठीक है, देन सिंगुलर पॉइंट्स हैं, तो सिंगुलर पॉइंट कौन सा होगा, जो ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं होगा वो पॉइंट सिंगुलर पॉइंट होगा। ठीक है, ऑर्डिनरी पॉइंट का ओपोजिट सिंगुलर पॉइंट होगा। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन हमें उन्होंने दी थी लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें हम देखेंगे ये जो हमारे पास ए स्क्वायर एक्स है और ए वन एक्स है, ए नॉट इंटू एक्स है। ठीक है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल कोफिशिएंट्स हैं। तो इसके बारे में उन्होंने क्या बताया हुआ है कि अगर हमारे पास ए स्क्वायर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो वो हमारे पास ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। ठीक है, अगर वो इक्वल टू जीरो होगा तो हमारे पास क्या होगा, सिंगुलर पॉइंट। देन हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कौन सा ऑर्डिनरी पॉइंट है और कौन सा सिंगुलर पॉइंट है। नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ एग्जाम्पल में सिंगुलर और ऑर्डिनरी पॉइंट्स का। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, सिंगुलर पॉइंट ऑफ इक्वेशन, हमें एक इक्वेशन दी हुई है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो उसमें हमने बताया सिंगुलर पॉइंट्स बताने हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमें क्या चाहिए, जस्ट डबल डेरिवेटिव। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव के साथ हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इस एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम इक्वल रखेंगे जीरो के, और जीरो के इक्वल रख के यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये देखें एक्स स्क्वायर इधर ही रहेगा। ठीक है, और इक्वल के दूसरी साइड पे वन चला जाएगा, और देन हम दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेंगे स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो एक्स हमारे पास किसके आ गया, इक्वल प्लस और माइनस वन के। ठीक है, तो वन का अंडर रूट वन ही होता है। ठीक है, और जमा माइनस एक्स आ गया इक्वल जमा माइनस वन के। ठीक है, तो हमारे पास दो सिंगुलर पॉइंट्स आ गए, प्लस वन और माइनस वन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है कि फर्स्ट पॉइंट में ये था कि सिंगुलर पॉइंट जो है वो रियल भी हो सकते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स ये जैसे हमारे पास आए हैं प्लस वन और माइनस वन, और सेकेंड पॉइंट ये है कि सिंगुलर पॉइंट जो है वो रियल नहीं भी हो सकते। ठीक है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सिंगुलर पॉइंट्स ऑलवेज रियल नंबर्स ही हों। ठीक है, तो यहाँ पे उसने एग्जांपल में ये बताया हुआ है, ये हमारे पास इक्वेशन वही इक्वेशन दी हुई है हमें। ठीक है, तो यहाँ से हमने फाइंड करने हैं, देखना है हमने कि सिंगुलर पॉइंट्स जो हैं वो रियल हैं या फिर कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, तो हमने अगेन क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वन को हमने इक्वल टू जीरो रख लेना है। इक्वल टू जीरो रख के तो हमने क्या करना है, सेम इसी तरह एक्स स्क्वायर एक साइड पे आ जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड पे
माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस वन है तो इक्वल के दूसरी साइड पे हो जाएगा माइनस वन, इस तरह से एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस वन, ठीक है। तो दोनों साइड पे जब हम अंडर रूट लेंगे तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, और इधर भी अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। और माइनस वन, अंडर रूट माइनस वन आपको पता है किसके इक्वल होता है, अयोटा के, ठीक है। तो वो अंडर रूट था इसलिए साथ में आ गया प्लस माइनस। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, प्लस अयोटा और माइनस अयोटा, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो इससे प्रूव हो गया था सिंगुलर पॉइंट्स नॉट नीड टू बी रियल नंबर्स, ठीक है। देन हम देखते हैं एग्जाम्पल को, ठीक है। एग्जाम्पल वन उसने हमें क्या दी हुई है, ठीक है। हमने सॉल्व करना है वाई का डबल प्राइम माइनस टू एक्स माइनस इक्वल टू जीरो। तो मैंने आपको बताया था पावर सीरीज़ को जब हमने डिफरेंशियल सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हमने पावर सीरीज़ के फॉर्म में सॉल्व करना है तो हमने कैसे करना है, उसके लिए हम लेट करते थे क्या, वाई इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, ये देखें इधर लिखा हुआ है, ठीक है। सी कोफिशियंट एन, ठीक है, एक्स की पावर एन। जब भी हम डिफरेंशियल सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को पावर सीरीज की फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो हम क्या लेट करेंगे, ये वाली टर्म वाई इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी सी एन एक्स पावर एन, ठीक है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था सेम वही प्रोसेस है, ठीक है। फिर मैं आपको अगेन समझा देती हूँ, अगर आप किसी को वहाँ पर समझ ना आई हो पाई हुई हो, ठीक है, तो इसको तो यहाँ पर समझ आ जाएगी, ठीक है। और ये वाला लेक्चर समझने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप लास्ट जो लेक्चर था लेक्चर 29, ठीक है, वो आप एक दफ़ा देख लें तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये क्या हो रहा है। देन हम क्या करते थे कि लेट कर लिया हमने वाई इसके इक्वल है, ठीक है। देन हम क्या करते थे, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हम उसके डेरिवेटिव लेते थे। ये देखें यहाँ पे दो डेरिवेटिव्स वाई के रिक्वायर्ड हैं, इट्स मीन हमने वाई के दो डेरिवेटिव लेने हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे लेते थे, ये देखिए, जब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये वाई प्राइम हो जाएगा, ठीक है। और इधर जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपको पता है कि ये कांस्टेंट टर्म है ये वाली, ठीक है, समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी सी एन, ये कांस्टेंट टर्म है, ये एज इट इज़ आ जाएगी। देन हम एक्स की पावर एन का जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पावर शुरू में, ठीक है, साथ में पावर में से एक लेस कर देते हैं हम, ठीक है, तो एन माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। और ये वाली टर्म एज इट इज़ साथ आ जाएगी, ये देखें सेम इसी तरह से है, ये वो वाली टर्म एज इट इज़ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट भी एज इट इज़, और ये एन जो है ये वाला, और साथ में एक्स की पावर एन माइनस वन। देन हम क्या करते हैं, हम उसका सेकेंड डेरिवेटिव ले लेते हैं जो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो जब इसका हम सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो ये वाली जो टर्म है इतनी कांस्टेंट टर्म जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी ये वाली, ठीक है, समेशन एन और सी एन, ये हमारे पास एज इट इज़ कांस्टेंट्स आ गए। देन हमने क्या करना है, ये जो एक्स की पावर एन माइनस वन है इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, पावर शुरू में आ जाएगी तो आ जाएगा एन माइनस वन, पावर स्टार्ट में आ गई, ठीक है। देन हम क्या करते थे, उसका पावर में से एक माइनस, ठीक है। तो एक्स के जब पावर में से एक माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन माइनस वन पहले था तो एक माइनस वन मजीद कर लिया लेस, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की पावर हमारे पास क्या होगी, एक्स की पावर एन माइनस टू, माइनस वन और माइनस वन टू, ठीक है। और साथ में ये एन माइनस वन, एन माइनस वन, ठीक है। तो ये देखिए इधर आ गया ये एन माइनस वन, ये वाला इधर आ गया, ठीक है, और साथ में एक्स माइनस टू ये है। तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव भी आ गया और सेकंड डेरिवेटिव भी आ गया। अब हमने क्या करना है, इन डेरिवेटिव्स को जो जो वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है वो हमने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, ठीक है। तो इधर हम पहले इक्वेशन लिख लिया था, ठीक है, इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। पहले हमने सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू पुट की ये वाली, हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई थी, ठीक है, ये इधर हमने पुट कर दी, ठीक है, दरमियान में ये माइनस एज इट इज़, ठीक है। देन हमारे पास क्या थी, टू, ठीक है, ये हमने टू लिख लिया, ठीक है। और साथ में हमारे पास क्या था,
ठीक है, और y की वैल्यू जो थी हमारे पास क्या है, y की वैल्यू ये वाली थी, समेशन n इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी सी एन इन टू एक्स की पावर n, ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे पुट कर ली। जब हमने यहाँ पे पुट कर ली वैल्यू, ठीक है, देन हमारे पास क्या आ गया, ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये x भी था, ठीक है, ये x था ना, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की पावर क्या है, एन वाई में एन, ठीक है, तो यहाँ पे एन प्लस वन आया। एन प्लस वन क्यों आया, क्योंकि हमारे पास एक दो वेरिएबल थे एक्स, ठीक है, सेम बेस के दो वेरिएबल थे, एक की पावर एक्स की पावर वन थी, एक था एक्स की पावर एन, ठीक है, तो जब बेस सेम हो तो हम उसकी पावर्स को एडअप कर सकते हैं, ठीक है, तो वो वाला वन भी था, वो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, तो एन प्लस वन हो गया, ठीक है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो टर्म है इसको हम वन टर्म एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव को हम वन टर्म एक्सपेंड कर देते हैं इस टर्म को। इस टर्म को एक्सपेंड कैसे करेंगे, ये देखें हमारे पास एन की वैल्यू क्या है, इधर हमारे पास एन इक्वल है टू के, ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे इस टर्म में हमारे पास एन है उस वहाँ वहाँ पे हम टू वैल्यूज़ की पुट कर देंगे, तो जब हम टू वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, ये देखें जब मैं एन की वैल्यू टू पुट करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा टू, ठीक है, इन टू, फिर एन माइनस वन है तो एन की जगह मैं टू पुट कर देती हूँ, ठीक है, माइनस साथ में वन एज इट इज़ आ जाएगा, देन ब्रैकेट, ठीक है, सी की पावर एन है तो एन की वैल्यू टू है, टू पुट कर देते हैं, ठीक है, देन एक्स, एक्स की पावर क्या है, एन माइनस टू, तो एन की जगह पे टू वैल्यू पुट कर देते हैं और माइनस टू, ठीक है, तो ये माइनस टू और प्लस टू जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, एक्स की पावर टू, ठीक है, एक्स की पावर जीरो, और यहाँ पे सी टू है, और इधर से हमारे पास बच जाएगा सी टू इन टू, तो आपको पता है टू में से वन लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वन ही आएगा, ठीक है, साथ में ये सी कोफिशेंट टू और एक्स की पावर हमारे पास क्या बनी थी, ज़ीरो, ठीक है, तो ये वाली टर्म जो है इसको यहाँ पे पुट किया हुआ है, ये देखें टू डॉट वन सी टू, ठीक है, और एक्स नॉट, ठीक है, देन हमने प्लस, देन हमने ये जनरल टर्म थी वो उसको एज इट इज़ लिखना है, ठीक है, ये सारी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, फर्क क्या आएगा, डिफरेंस, डिफरेंस ये होगा कि एन इक्वल टू टू, एन की वैल्यू टू हमने पुट कर लिया तो अब एन की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, थ्री, ठीक है, दूसरी टर्म जो है वो होल टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, देन इसको हमने वैसे ही सेम एज इट इज़ लिख लिया, ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये इक्वेशन बन गई, ठीक है, तो आपको पता है देन हम क्या करते हैं, देन हमारे पास जो यहाँ पे कोफिशेंट आते हैं, ठीक है, उसको हम इक्वल रख लेते हैं के, एक हमारे पास एक्स की पावर क्या आई है, एन माइनस टू, इसको रखेंगे इक्वल टू के, और यहाँ पे एन प्लस वन है इसको भी रख लेंगे इक्वल टू के, सेम उसी तरह जैसे हम लास्ट लेक्चर में कर रहे थे, ठीक है, तो इन दोनों को हमने के इक्वल रख लिया, अब जहाँ जहाँ पे हमारे पास एन होगा वहाँ वहाँ पे हम के पुट करते जाएंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इसके और इसके, ठीक है, तो ये देखें हमारे पास इसके अकॉर्डिंग जब हम एन की जगह पे के पुट करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, ये देखें आपको पता है एक्स नॉट टू को जब वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टू ही आएगा, सॉट सी टू आ जाएगा, ठीक है, और आपको पता है जब कोई वेरिएबल होता है उसकी पावर जीरो होती है तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, वन, एक्स नॉट इक्वल टू वन, ठीक है, तो वन यहाँ पे वन हो गया, ठीक है, इसलिए हमने एक्स नॉट नहीं लिखा, ठीक है, प्लस एज इट इज़ आ जाएगा, देन हमारे पास समेशन के इक्वल टू वन, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास था समेशन के इक्वल टू थ्री, ठीक है, एन इक्वल टू थ्री, तो एन इक्वल टू थ्री हमारे पास किसके इक्वल है, ये देखें यहाँ से अगर हम एन की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, ये देखें एन नहीं, ये देखें के इक्वल टू एन प्लस वन है, तो यहाँ पे जब हम एन को ये लेफ्ट काट देते हैं एन, ठीक है, एन तो हमारे पास पहले से था, ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सॉल्व करके बता दूँ, इस तरह शायद आपको ना ही समझ आए, ठीक है, ये हमारे पास था के इक्वल टू एन माइनस टू, ठीक है, ये वाली टर्म, इसको थोड़ा सिंपलीफाई सॉल्व करते हैं कि हमारे पास के इक्वल टू वन आ जाए, के इक्वल टू वन कैसे आएगा, हमारे पास एन क्या है, यहाँ पे थ्री है, तो यहाँ पे हम थ्री पुट कर देते हैं एन की वैल्यू, माइनस टू,
ठीक है, तो के हमारे पास क्या आ जाएगा, के इक्वल टू 1 3 में से 2 लेस कर देंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा इस तरह से, इसलिए हमने यहाँ पे एन की जगह पे क्या पुट किया है, के इक्वल टू 1। ठीक है, टू इन्फिनिटी एज इट इज़, अंदर भी जहाँ जहाँ पे एन होगा हम वहाँ वहाँ पे पुट करते जाएंगे ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो के प्लस टू, ठीक है, और के प्लस वन, एन की वैल्यू हमारे पास क्या है ये देखें, यहाँ से जब हम एन निकालेंगे, ये देखिए अगेन इस टर्म को देखते हैं, यहाँ से हमने एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, यहाँ पे एन की जगह पे पुट करने के लिए, तो के उधर ही रह जाएगा, ठीक है, और वो जो माइनस टू उधर था इधर आके प्लस टू हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू क्या है उधर एन, ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या होगी, के प्लस टू, तो वह हमने के प्लस टू यहाँ पे पुट कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास एन माइनस वन, ठीक है, एन माइनस वन कैसे आया मैं आपको बता देती हूँ, अगेन यहाँ से देखें एन माइनस एन प्लस वन है, ठीक है, के प्लस वन, तो के प्लस वन कैसे आया, के प्लस वन ऐसे आया, ये देखिए एन इधर ही रह गया, जब ये प्लस वन जो था, ठीक है, तो एन इधर ही, एन को हम खत्म कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के प्लस वन, ठीक है, तो के प्लस वन पुट कर दिया, और यहाँ पे सी था, सी की सी एन था, ठीक है, तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, के, ठीक है, तो यहाँ पे के प्लस टू आ गया, एन इक्वल है के प्लस टू, ये देखिए यहाँ पे हमने निकाला था, तो वह हमने सी की जगह पे एन की जगह पे पुट कर लिया सी के साथ, के प्लस टू, और एक्स की पावर के, यहाँ पे था एक्स की पावर एन माइनस टू, एन माइनस टू हमने किसके लिए ऐड किया है, के इक्वल है के, ठीक है, तो हमने यहाँ पे के पुट अप कर लिया एज इट इज़, यहाँ पे भी जहाँ जहाँ पे भी एन आ रहा है वहाँ वहाँ पे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हमने के पुट कर देना है, ठीक है। देन हमने के जब पुट कर लिया, हम थोड़ा सा इसको इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जैसे हम पहले करते थे, जो कांस्टेंट चीज़ें हैं वो हम उनको कॉमन ले लेंगे, ठीक है, टू सी टू प्लस, ठीक है, अब ये देखें ये समीशन इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है, ठीक है, तो दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं समीशन को, समीशन के इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और समीशन के इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी हमने कॉमन ले लिया, देन ये वाली अंदर वाली टर्म जो है ये एज इट इज़ आ गई, ठीक है, देन ये माइनस, और ये टर्म भी बिकॉज हमने कॉन्स्टेंट ले लिया तो ये बाहर कॉमन ले लिया तो ये बाहर चली गई, ठीक है, और अंदर ये वाली टर्म आ गई। देन ये देखिए यहाँ पे भी दोनों टर्म के साथ एक्स की पावर के और एक्स की पावर के था, ठीक है, तो इसको भी हम कॉमन ले सकते हैं, ये मैंने इधर कॉमन ले लिया। इक्वल टू 0 मैंने क्यों रखा है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास ये गिवन था, ठीक है, कि वाई डबल प्राइम माइनस टू एक्स वाई की वैल्यू को हमें इक्वल रखना है 0 के, ठीक है, तो ये वैल्यू है वाई डबल प्राइम माइनस टू एक्स वाई की, तो इसको इक्वल रख लिया हमने 0 के। देन हमने क्या करना है, ये वाली जो टर्म हमारे पास आती है, ठीक है, कॉन्स्टेंट, अब इसको भी 0 के इक्वल रख लेंगे और इस टर्म को भी 0 के इक्वल रख लेंगे, ठीक है, अलहदा अलहदा से, तो ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 0 से, ये भी 0 ही हो जाएगा, तो सी टू की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 0। सी टू इधर से हमारे पास क्या निकल आया, सी टू इक्वल टू 0, ठीक है, तो इस टर्म को भी हमने इक्वल टू 0 रखा था, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करने की, मैंने आपको बताया था जो हम कॉन्स्टेंट लेते हैं उसको हमने इग्नोर कर देना होता है, ठीक है, जो कॉमन लेते हैं, तो ये एक टर्म भी इग्नोर होगी और ये टर्म भी इग्नोर होगी, और इसको हमने इक्वल रख लिया 0 के। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इस तरह से कि हमारे पास कोई ऐसी टर्म बन जाए कि उसको, उस इक्वेशन को सॉल्व करके हम K3 K4 K5 इस तरह से वैल्यूज निकालें, K की वैल्यू पुट करके 1 2 से, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं ये देखें, हमारे पास ये टर्म है, ठीक है, तो ये टर्म जो है ये इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, इधर आके ये पॉजिटिव हो गए, ये देखें, ठीक है, और ये टर्म जो है ये मल्टीप्लाई हो गया सी के प्लस टू से, ठीक है, तो जब ये दूसरी साइड पे जाएगी इक्वल के तो ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो उधर जाके टू सी इंटू के माइनस वन के नीचे डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, तो ये डिवाइड हो गई। अब हमारे पास ये एक टर्म बन गया, ठीक है, इस टर्म का हमने सॉल्व करना है कैसे, के की वैल्यू हमने 1 2 3 4 अप टू सो ऑन पुट करते जाना है, ठीक है, और हमारे पास इस तरह से C3 C4 C5 इस तरह से निकलता आएगा, ठीक है, तो देख लेते हैं हम के निकल रहा है कि नहीं, ये देखिए जब मैं के की वैल्यू 1 पुट करती हूँ इस इक्वेशन में तो मेरे पास क्या आंसर आता है, ठीक है, मेरे पास क्या था सी
ठीक है। और k की जब मैं वैल्यू पुट करती हूँ यहाँ पे, k की वैल्यू मैंने पुट की 1 प्लस 2, तो c मेरे पास क्या आ गया, 1 प्लस 2 इक्वल टू है 3k, इक्वल टू इधर भी वैल्यू पुट कर लेते हैं 2, सी के की वैल्यू क्या थी 1 और -1 डिवाइडेड बाय क्या था, यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर लेंगे के की 1, ठीक है, के की वैल्यू 1 आ गई, प्लस 2 एज इट इज़, ठीक है। देन यहाँ पे फिर अगेन के की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं, +1, ठीक है। तो अब इसको काउंट कर लें तो ये देखें -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सी नॉट, ठीक है। तो इधर आ गया 2 C0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 इक्वल टू होगा 3K और 1 प्लस 1 इक्वल होगा 2K। तो ये देखें ये वाली टर्म इधर लिखी हुई है, ये देखिए मेरे पास आ गया C3, क्या आ गया 2C0 3.2, तो एज इट इज़ मेरे पास भी आया है। इसी तरह अपने नेक्स्ट टर्म में भी अगेन, अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे K की 2, तो हमारे पास C4 की वैल्यू ये निकल आएगी, ठीक है। देन हम 3 पुट करेंगे, हमारे पास C5 की वैल्यू इस तरह से निकल आएगी। इसी तरह से वैल्यूज़ पुट करते जाना है और हमारे पास सी की वैल्यूज़ आती जाएंगी। देन हमने क्या करना है, जैसे हम पहले करते थे वाई के जनरल इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करते थे, ठीक है। तो हमारे पास जो भी C0 प्लस C1x C2 C3 C4 वैल्यूज़ आई हैं, वो हमने यहाँ पे पुट करते जाना है। ये वाई की जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन से हमारे पास कैसे है, वाई की जो वैल्यू थी हमारे पास समीशन वाली, उसको जब हम सॉल्व करते थे तो हमारे पास कुछ इस तरह से उसको एक्सपेंड करके हमारे पास इस तरह से वैल्यूज़ आ जाती हैं, ठीक है। तो वही एक्सपेंडिंग की हुई है, लास्ट लेक्चर 29 में मैंने आपको बताया था कि ये एक्सपेंडिंग कैसी हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें हमने वैल्यूज़ पुट अप कर देनी है, C1 C2 C3 C4 जो भी वैल्यूज़ उनकी आई हैं उनकी वैल्यूज़ को पुट अप कर देने हैं। देन क्या करना है, इवन और ऑड वाली जो होनी है उनको अलहदा अलहदा कर लेना है। जिन वैल्यूज़ में सी नॉट होगा उन वैल्यूज़ को हम अलहदा कर लेंगे और उनमें से सी नॉट कॉमन ले लेंगे। जो इन वैल्यू में हमारे पास सी वन है, ठीक है, जिन वैल्यूज में हमारे पास सी वन है उन वैल्यू में से हम उन वैल्यू को अलहदा कर लेंगे और उनमें से C1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इसी तरह से ये नीचे भी है, ये देखिए C0 कॉमन ले लिया और C1 कॉमन ले लिया। देन हमने क्या करना है, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है लेक्चर एग्जाम्पल 2, उसको भी हमने सेम इसी मेथड से सॉल्व करना है। क्या क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, x² + 1 × y" + xy" - y = 0। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये बताना है कि सिंगुलर पॉइंट है या फिर ऑर्डिनरी पॉइंट है, ठीक है। तो वो कैसे पता चलता है, हमें पता है कि यहाँ पे हमने जस्ट हमारे पास डबल डेरिवेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव को बनाने, डबल डेरिवेटिव को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी डबल डेरिवेटिव के साथ वैल्यू है उसके साथ हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड करके उसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, ये जो टर्म है इस जब इससे डिवाइड होगी तो इधर से कैंसिल हो जाएगा और एक्स के नीचे भी आ जाएगी और इधर वाई के साथ भी आ जाएगी, ठीक है। और सिंगुलर और ऑर्डिनरी पॉइंट्स का कैसे पता चलेगा, ये जो x² - 1 है इसको हम इक्वल रख लेंगे, x² + 1 इक्वल रख लेंगे 0 के, क्या। और यहाँ से हम x² की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये इधर +1 है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो -1 हो जाएगा। देन हम इसका अंडर रूट दोनों साइड पे ले लेंगे, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट, इधर हमारे पास रह गया x = 2, ठीक है। तो आपको पता है अंडर रूट -1 किसके इक्वल होता है, अंडर रूट -1 इक्वल होता है आयोटा के, ठीक है। तो अंडर रूट था ऊपर तो इसलिए हमारे पास साथ में प्लस और माइनस आ गया, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको कैसे आया। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट हमने अगेन वही लेट करना है कि y इक्वल है समेशन n इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी c कोफिशेंट n और x की पावर n, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हमने देखना है, हमें इक्वेशन में दो डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हमने y के दो डेरिवेटिव ले लेने हैं सेम एज इट इज़, जैसे हमने पहले लिए थे, ठीक है। तो ये एज इट इज़ आ गया, ये y का डबल डेरिवेटिव है, ये y का सिंगल डेरिवेटिव है और ये y है, ठीक है। और ये x कहाँ से आया, ये वाला x है, ये वाला x है, ठीक है। और ये जो साथ है, ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y है, ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y की वैल्यू आ गई। और ये एक्स स्क्वायर माइनस वन एज इट इज, और ये y की वैल्यू, ठीक है। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया उसी तरह से y के डेरिवेटिव्स निकाल लेने हैं। y के डेरिवेटिव्स निकालने के बाद हमने क्या करना है, ठीक है, ये इधर से लिख लिया एक्स स्क्वायर वन, ठीक है, x की पावर टू थी, ठीक है। तो ये देखें एक्स स्क्वायर को एक्स के प्लस वन टर्म जो है ये इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो एक दफ़ा हम एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे इस होल टर्म से, एक दफ़ा हम वन को मल्टीप्लाई करेंगे इस होल टर्म से, ठीक है। तो जब हम एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे इस सेकंड डेरिवेटिव की होल टर्म से, तो हमारे पास ये सारी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। और डिफरेंस क्या आएगा कि यहाँ पे जो हमारे पास एक्स की पावर एन था, हमारे पास क्या था, एक्स की पावर एन माइनस टू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास x की पावर 2 है, तो बेस सेम है, तो बेस सेम हो तो हम उसका जो पावर होती है उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये प्लस 2 भी हमने ऐड कर लिया, और प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, x की पावर n। तो ये इधर आ गया x की पावर n, ठीक है। प्लस अब हमने क्या करना है, 1 को मल्टीप्लाई करना है इस होल टर्म से, और जब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस होल टर्म से तो ये होल टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। ये एज इट इज़ लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे भी ये देखें x था हमारे पास, ठीक है, तो x की पावर 1 है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा ये देखें, दोनों x और x दोनों बेस सेम है, तो इनकी पावर को हम ऐडअप कर सकते हैं। जब हम पावर को ऐडअप करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास है n e, x की पावर n माइनस 1 है, ठीक है। और यहाँ पे x की पावर है 1, उस पावर को 1 को भी हम ऐडअप कर लेते हैं, तो जब हम ऐडअप करेंगे प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, और x की पावर n हमारे पास इधर आ जाएगा, ये वाला टर्म एज इट इज आ गई। देन क्या किया, उस टर्म को थोड़ा एक्सपेंड कर लिया, ठीक है, हमने इस टर्म को थोड़ा एक्सपेंड कर लिया, इस टर्म को, जब इस टर्म को थोड़ा एक्सपेंड करेंगे, इसको भी एक्सपेंड कर लिया और इसको भी और इसे भी, ठीक है, इन तीनों को हमने एक्सपेंड किया। एक्सपेंड कैसे किया कि इस होल टर्म में जहाँ पे हमारे पास n था वहाँ पे हमने n की वैल्यू 2 पुट कर दी, तो हमारे पास n की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। तो उसको एक और टर्म हमने एक्सपेंड किया, देन हमने अगेन उसमें, ठीक है, अगेन हमने जहाँ जहाँ पे n था वहाँ पे n की वैल्यू अब हमने 3 पुट कर दी, तो हमारे पास ठीक है, तो n की वैल्यू 3 पुट करके कुछ सॉल्व करके हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। देन हमने क्या करना है, इस होल टर्म को अगेन लिखना है, और अब हमारे पास n की वैल्यू क्या हो गई, 4, ठीक है। तो ये इधर लिखा हुआ ही है, और ये वाला टर्म एज इट इज ये है, क्या नेक्स्ट, ये जो टर्म थी n इक्वल टू 1, इसको भी हम y के फर्स्ट डेरिवेटिव को भी हम एक टर्म एक्सपेंड कर देंगे। जब हम एक टर्म एक्सपेंड करेंगे तो कैसे करेंगे, इस टर्म में जहाँ जहाँ भी हमारे पास n है वहाँ पे हम n की वैल्यू ये 1 पुट कर देंगे, ठीक है। और 1 पुट करने के बाद हमारे पास जो भी सॉल्यूशन कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, c1x1, ठीक है। तो साथ में हमारे पास ये जो टर्म है ये इसमें n की वैल्यू अब हमारे पास क्या होगी, n की वैल्यू 1 हमने पुट कर लिया, ठीक है, तो अब हमारे पास n की वैल्यू 2 होगी, तो n की वैल्यू 2 वाली टर्म ये है। देन हमने इस वाले टर्म को y जो थी इसको भी हमने एक्सपेंड कर लेना है, ठीक है। और जब हम एक्सपेंड करेंगे वन टर्म तो हमारे पास कैसे एक्सपेंड करेंगे, जहाँ जहाँ पर हमारे पास n है, ठीक है, वहाँ पे हम n की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो n की वैल्यू 0 पुट करने के बाद हमारे पास क्या है, कुछ इस तरह से
ये टर्म आ जाएगी, ठीक है, और हमारे पास n इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है, बिकॉज ये देखें n की वैल्यू हर जगह पे पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसके लिए हम अगेन क्या करेंगे, इसको वन टर्म मज़ीद एक्सपेंड कर देंगे ताकि इसकी वैल्यू भी हमारे पास इवन में आए, ठीक है। तो जब अब हमारे पास n की वैल्यू 1 हो चुकी थी, तो n की वैल्यू जहाँ जहाँ पे अब n है वहाँ पे 1 पुट करते जाएंगे, ठीक है। 1 पुट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से टर्म आ जाएगी, ठीक है, एक ये और एक ये। देन अब हमारे पास n की वैल्यू होगी 2, ठीक है, तो वो इधर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी यहाँ पे पावर्स में होता है x की पावर में, उसको हम लेट कर लेते हैं कि ये इक्वल है k के, ठीक है। तो उसको हमने लेट कर लिया कि ये हमारे पास इधर ये n भी इक्वल है k के, n-2 इक्वल है k के, और इधर भी ये n इक्वल है k के, और इधर भी ये n इक्वल है k के, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इस पोजीशन जो हमने सपोज किया है, ठीक है, के इक्वल टू एन, के इक्वल टू n-2, के इक्वल टू एन, और के इक्वल टू एन, ठीक है। इस पोजीशन के अकॉर्डिंग हमने जहाँ जहाँ पे हमारे पास के है उस वहाँ पे हमने के अप्लाई कर देना है। तो ये देखें होल टर्म के की पावर में आ गई, अब हमारे पास कोई भी एन की वैल्यू टर्म में मौजूद नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई हम कैसे करते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई हम ऐसे कर सकते हैं कि हमारे पास टर्म में जो भी कॉमन आ रही होती है, ठीक है, कॉमन चीज़ होती है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। ये देखें एस्मिशन एस्मिशन इधर भी था, इधर भी था, और इधर भी, और इधर भी, ठीक है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। तो जब हमने इसको कॉमन ले लिया, ठीक है, तो हमारे पास अंदर वाली टर्म इस तरह से आ गई, और ये देखें सी के भी हर जगह पे मौजूद था, सी के एक्स के, एक्स के, और एक्स के हर जगह पे मौजूद था। ये देखें एन की जगह पे के पुट कर दिया तो हमारे पास एन के हो गया, यहाँ पे भी हमारे पास एन के, यहाँ पे भी एन के, यहाँ पे भी एन के, तो एक्स के हमने कॉमन ले लिया, इक्वल टू 0 रख लिया, ठीक है। तो ये कॉन्स्टेंट टर्म जो थी ये हमारे पास, मैंने आपको बताया जो हम कॉमन चीज़ें लेते हैं वो हमारे पास कट हो जाती हैं, तो ये हमारे पास मिशन भी कट हो जाएगा और एक्स के भी हमारे पास कट हो जाएगा, इसको हम इग्नोर कर देंगे। देन हम क्या करते थे, इस वाली टर्म को भी 0 के इक्वल रख लेते थे, और इस वाली टर्म को भी 0 के इक्वल रख लेते थे, ठीक है। इसको तो जब हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास C3 की वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी। आपने भी इसी तरह से सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। और देन हमारे पास ये देखें इस वाली टर्म को 0 के इक्वल रख लिया, ठीक है, और एक्स वाली टर्म को भी हमने इक्वल टू 0 रख लिया, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरह से दो टर्म ये बन गई, यहाँ से हमारे पास C3 की वैल्यू निकल आई। इस टर्म को भी हमने इक्वल टू 0 रखना है, और ये समेशन और एक्स के हमारे पास इग्नोर हो जाएगा। ये टर्म जो है, इस टर्म को हमने कुछ इस तरह से इक्वेशन बनानी है कि हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन बने कि उसको सॉल्व करके जब हम उसमें के की वैल्यूज़ 1, 2, 3, 4 पुटअप करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशंस वैल्यूज़ आ जाएं C2, C3, C4 की, ठीक है। तो ये देखें C2 की हमारे पास यहाँ से निकल दिया, ये 2C2 इधर ही रहेगा, -C2 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो हमारे पास +C0 हो जाएगा, ठीक है, और देन 2 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो C2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, C0/2, तो ये है, और C3 की भी 0 है। तो यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास क्या बनी, इधर ये वाली जो टर्म है इसको हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं इधर, ठीक है, तो इधर आती हो जाएगी माइनस की, ओके। माइनस होने के बाद दोनों साइड पे एक k+1 और k+1 होगा, ठीक है, तो k+1 और k+1 दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएगा, देन हमारे पास ये वाली टर्म बच जाएगी, ठीक है। देन हमारे पास क्या बचेगा, ये वाली टर्म k+2 और CK+1 इधर आ जाएगा, और इक्वल के दूसरे साइड पे हमारे पास होगा K-1 और CK, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको इधर ही रखेंगे, ठीक है, और K+2 जो है ये दूसरी इक्वल के दूसरे साइड पे जब आएगा तो इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, के की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 1 हम पुट करके के की वैल्यू, सी की वैल्यू हमारे पास 3 तक है, ठीक है, तो 3, 4, 5, 6, 7 हमने फाइंड कर लेना है, इसको आपने पुट करके चेक कर लेना है। देन हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन बनती है, ठीक है, वही C0+C1x(n+C2x)2, ठीक है, इस तरह से अप टू 1। तो यहाँ पे हमने C0, C1, C2, C3 की जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं वो पुट कर देनी है। देन हमने क्या करना है,
ठीक है, जो हमारे पास सी नॉट वाली वैल्यूज होगी उनको हमने अलहदा काट के उसमें से सी नॉट कॉमन ले लेना है, और जो हमारे पास सी वन वाली टर्म्स होंगी उनको हमने अलहदा काट के सी वन वहाँ से कॉमन ले लेना होता है। यही है इस ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी सेम एज इट इज़ है। अब हमें यहाँ पे नॉन पोलिनोमियल कोफिशेंट दिया हुआ है, ठीक है। ये नॉन पोलिनोमियल है, कॉज एक्स आ गया, इसलिए कॉज एक्स का आपको जबानी ये टर्म याद होना चाहिए कि कॉज एक्स हमारे पास किसके इक्वल होता है। कॉज एक्स हमारे पास इक्वल होता है वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स की फोर डिवाइड बाई फोर फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर सिक्स डिवाइड बाई सिक्स फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये टर्म जो है ये अपने जबानी याद रखनी है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। देन हमने क्या करना है, सिंपल उसी तरह से वायलेट करना है, ठीक है। वायलेट करने के बाद उसका दो डेरिवेटिव लेने हैं, उसको अकॉर्डिंग टू इक्वेशन इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। देन उसने क्या किया हुआ है, पुट करने के बाद उसने ये किया है कि ठीक है इस समेशन वाले टर्म को, ठीक है, एक दफ़ा वन से पीरियड से पीरियड से, ठीक है, ऑल टर्म से मल्टीप्लाई करके हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। उसको सिंप्लीफाई करना है जैसे हम पहले कर रहे थे, ठीक है। तो हमारे पास लेक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर 31 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दीजिएगा, और कहीं से समझ ना आए तो कमेंट में